हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विनोद प्रजापति, मैथ्स फैकल्टी रेजिडेंस। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग डेसिमल चैप्टर। इन डेसिमल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेसिमल का डेफिनेशन एंड लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, डेसिमल पार्ट क्या होगा, कैसे हम डिफाइन करते हैं, वो सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन आफ्टर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन हमने किया था और रिप्रेजेंट करके भी आपको बताया गया था किस टाइप से हम डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, देन आफ्टर एक्सपेंडेड फॉर्म भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, किसका, डेसिमल्स का। डेसिमल्स का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन में हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में डेसिमल को, और फ्रैक्शन को डेसिमल में किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट आता है कन्वर्जन में हमारे पास, चेंजिंग अ डेसिमल न्यूमरल्स को हमें चेंज करना है टू अ कॉमन फ्रैक्शन। किसमें, कॉमन फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा चेंजिंग अ डेसिमल न्यूमरल्स टू अ कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। अब देखो कॉमन फ्रैक्शन में किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस, डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट। एक्सप्रेस द डेसिमल्स एज अ फ्रैक्शन, सबसे पहले हम जो डेसिमल है उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे विद डिनोमिनेटर टू 10 और पावर ऑफ 10। या तो 10 हो डिनोमिनेटर में, या पावर ऑफ 10 का मीनिंग क्या है, पावर ऑफ 10 का मीनिंग है 10, 100, क्योंकि 10 स्क्वायर इज 100, 10 क्यूब इज 1000, 10,000। तो ये क्या है, पावर ऑफ 10 में काउंट हो गया, मतलब 10 का मल्टीपल, पावर का 10 का पावर 2 होगा तो कितना होगा 100, 3 होगा तो 1000, 4 होगा तो 10,000। तो 10 के पावर में डिनोमिनेटर होना चाहिए, एंड देन रिड्यूस इट टू इट्स लोवेस्ट। इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसे रिड्यूस कर देंगे किसमें, इसके लोवेस्ट टर्म में। ओके, सो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमारे पास डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर अपन ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 0.25। ओके, अब डेसिमल नंबर है 0.25, इसे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ से पॉइंट अगर रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास, डिवाइड बाय 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं हमारे पास, डेसिमल प्लेसेस हैं हमारे पास, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस हैं 2। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हों उन्हें हम डेसिमल प्लेसेस में काउंट करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, 2। तो हमने यहाँ पर कितना लगा दिया, 25/100। सो वैल्यू कितना होगा हमारे पास, 25/100। अब इसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 100 भी किसका, 25 का मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि 100 के अगर मैं फैक्टर्स करना चाहूँ तो कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई अगेन 5 से, कितना टाइम, 5। ओके, 5 से 25 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यही होगा, क्लियर है। अब हम यहाँ पर इसके क्या ऐसा नोट कर सकते हैं, 5 से 25 मल्टीप्लाई 2 टू 4, सो 100 के फैक्टर्स 25 मल्टीप्लाई 4 हुआ, मतलब जो 100 है वो 25 से डिविजिबल होगा, 25 से डिविजिबल होगा, तो 25 से वन टाइम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बहुत पार्ट्स में हम किसका डिवाइड करेंगे, 25 का। सो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिवाइड बाय 25 में, अगर 25 में हम डिवाइड कर देते हैं किसका, 25 का डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 25, क्लियर। अब 25 में अगर 25 का मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 25 इज 4। सो लोवेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म कितना आ चुका है इसका, 1/4। सो इस टाइप से हम यहाँ पर इसे क्या कर सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर टू में हम नंबर यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। नंबर है हमारे पास 0.8। ओके, 0.8 ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन नंबर में हमें यहाँ पर इसे कन्वर्ट करना है। अब फ्रैक्शन नंबर में किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ से अगेन पॉइंट रिमूव किया, डिवाइड बाय 10, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, ओनली 1।
ओके अब डिवाइड बाय 10, अब किससे डिविजिबल होगा, 2 से 4 टेन, 2 से 5 टेन, सो 4 बाई 5 ही क्या होगा इसका लोवेस्ट फॉर्म होगा। क्लियर है? सो इस टाइप से हम डेसिमल नंबर्स को या डेसिमल न्यूमरल्स को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लोवेस्ट फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एचसीएफ लेना होगा और एचसीएफ का डिवाइड कर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, इसी का कन्वर्जन का नेक्स्ट पार्ट आता है, चेंजिंग अ कॉमन फ्रैक्शन। अब कॉमन फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल न्यूमरल्स में। चेंजिंग अ कॉमन फ्रैक्शन इंटू अ डेसिमल या टू अ डेसिमल न्यूमरल्स। अब डेसिमल न्यूमरल्स में हम किस टाइप से इसे कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके तो देखिए, अब यहाँ पर हमें इसे इसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ डेफिनेशन है जिसे एक बार रीड कर लेते हैं। डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर, डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को किससे, डिनोमिनेटर से, एंड राइट द क्वेश्चन एंड इन डेसिमल फॉर्म, और राइट लिख देंगे डेसिमल फॉर्म में किसको, क्वेश्चन को। देखिए एग्जांपल यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आता है हमारा, यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं, नंबर है हमारे पास जस्ट लाइक अ नंबर इज 7/100, 7/100 किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में। अब अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, किस में, डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, 7 में किसका, 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0. कितने, 00, बट ऊपर नंबर क्या है, ओनली 1, 0, 7, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे हम, फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास नंबर इज 19/100। अब 19/100 तो वैल्यू क्या होगा हमारे पास, 0.19, कितना होगा वैल्यू हमारे पास, 0.19। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी छोटा सा एग्जाम्पल है। देखिए आप 23 डिवाइड बाय 10। अब 23 डिवाइड बाय 10 है, इसमें हम किसका, 23 में किसका, 10 का डिवाइड कर देते हैं, तो वैल्यू कितना होगा हमारे पास, 2.3, और यही क्या होगा आपका, डेसिमल फॉर्म होगा। क्लियर है? तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है इसी में। ओके सो अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ लाइक डेसिमल्स इनटू अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। थर्ड पार्ट है हमारा कन्वर्जन अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। ठीक है, तो कन्वर्जन अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, कन्वर्जन करना है हमें अनलाइक डेसिमल्स का किसमें, लाइक डेसिमल्स में हमें कन्वर्ट करना है। ओके देखिए, अब कन्वर्जन में हमने लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा हम यहाँ पर अगेन उसे डिस्कस कर लेते हैं, अनलाइक डेसिमल्स क्या होंगे एंड लाइक डेसिमल्स क्या होंगे हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइक डेसिमल्स के लिए बात कर लेते हैं। लाइक डेसिमल्स क्या होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं नोट करता हूँ। जस्ट लाइक अ नंबर इज 0.21, 1.23, 25.67, यहाँ पर 3 डेसिमल नंबर्स हमने नोट किए हैं। अब मैं यहाँ पर अगर 0.21 का डेसिमल प्लेसेस के लिए बात करना चाहूँ तो कितने हैं, ओनली 2। यहाँ पर भी हम देखें इसके लिए डेसिमल प्लेसेस 2, यहाँ पर भी हम देखें डेसिमल प्लेसेस इज 2। अगर डेसिमल प्लेसेस हर डेसिमल नंबर के लिए सेम फाइंड आउट होते हैं, सो ये क्या होंगे, लाइक
डेसिमल्स, अदरवाइज क्या होगा अनलाइक डेसिमल। सो अनलाइक डेसिमल का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अनलाइक डेसिमल्स, अब अनलाइक डेसिमल का एग्जांपल हम ले 0.31 0.1 27.593। तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 2, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस ओनली 1, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस इज 3। क्या यहाँ पर डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस फाइंड आउट हुए हैं? तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अनलाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स कहा जाएगा इन्हें। अब अनलाइक डेसिमल्स तो हमें पता चल चुके हैं, अनलाइक डेसिमल इस टाइप के होते हैं जिनके डेसिमल प्लेसेस क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। क्या उन्हें हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हमारे पास बात आती है, क्या अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कि हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो वही तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, कन्वर्जन अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। तो हम यहाँ पर अब कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये तो पता चल चुका है, हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स के बारे में। आज यहाँ पर हम कन्वर्जन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं इनके। अब कन्वर्जन में आप देखिए, कन्वर्जन में हम अगर यही एग्जांपल ले लें, एग्जांपल है हमारे पास 0.31 0.1 and 27.593। तो ये क्या है, अनलाइक डेसिमल्स है। अब ये अगर अनलाइक डेसिमल्स है तो इन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किस टाइप से करना चाहिए, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो अब इन्हें लाइक डेसिमल्स में किस टाइप से हमें कन्वर्ट करना चाहिए, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो जिसके डेसिमल प्लेसेस हाईएस्ट होंगे, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2, यहाँ पर ओनली 1, और यहाँ पर कितने हैं डेसिमल प्लेसेस, 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1, एंड यहाँ पर कितने हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस जितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, 3, तो हम इनको भी 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना होगा। और वो किस टाइप से कर सकते हैं, आप क्या कीजिए, 3 1, देन आफ्टर 1 2 तो हो चुके हैं 0, नोट कर दीजिए अब कितने डेसिमल प्लेसेस हो चुके हैं, 3। आप क्या कीजिए, 0.1 2 0s नोट कर दीजिए कि आप यहाँ भी डेसिमल प्लेसेस 3 हो चुके हैं, और जो हमारे पास एक नंबर ऑलरेडी था उसमें क्या 3 डेसिमल प्लेसेस ऑलरेडी गिवन थे। तो क्या हमने अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे कि डेसिमल प्लेसेस, हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस किस में हैं वो चेक करेंगे, देन आफ्टर हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस को चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, उन जो जिनके डेसिमल प्लेसेस कम थे, हाईएस्ट से कम थे, जैसे 2 3 या फिर 2 1, यहाँ पर 2 और 1 थे, उनके भी हम 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट कर देंगे और वो 0 से नोट कर देंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, सेकेंड एग्जाम्पल इज, नंबर इज 0.2537, नेक्स्ट नंबर इज 21.73, नेक्स्ट इज 257.1। ओके, अब यहाँ पर हमने 3 अनलाइक डेसिमल है। अनलाइक डेसिमल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस के लिए मैं बात करूँ तो कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 4, यहाँ पर मैं बात करूँ तो कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2, और यहाँ पर अगर मैं डेसिमल प्लेसेस की बात करना चाहूँ तो कितना है, 1 ओनली। अब डेसिमल प्लेसेस हाईएस्ट कितने हैं, 4, तो क्या 2 और 1 डेसिमल प्लेसेस को भी हम 4 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, अभी हमने देखा था। तो देखिए किस टाइप से करेंगे, यहाँ पर हमें पता है 0.2537, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 21.73। ओके, अब 21.73, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो क्या हम 2 जीरोज और लगा दें यहाँ पर, तो अब कितने हो चुके हैं,
1 2 3 4 1 2 3 4 फोर डेसिमल प्लेसेस हो चुके हैं. लास्ट नंबर इज 20 257.1. कितने जीरोज और लगाने होंगे? 3 1 2 3 3 जीरोज और लगाने होंगे. तो इस टाइप से हम यहाँ पर इन डेसिमल प्लेसेस को इक्वल कर सकते हैं जीरोज का यूज़ करके, और अनलाइक डेसिमल को हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स. ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है अब कन्वर्जन के बाद कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स. अब कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स. अब डेसिमल्स के बिटवीन कंपैरिजन हम किस टाइप से यहाँ पर करेंगे, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा. फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ऑब्टेन द डेसिमल नंबर. सबसे पहले तो हम क्या है, जो हमें नंबर से डेसिमल नंबर्स उन्हें हम देखेंगे कि वो डेसिमल नंबर्स हमें क्या ऑब्टेन हुए हैं. ठीक है, उन नंबर्स को देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, कंपेयर द होल नंबर पार्ट ऑफ द नंबर. ठीक है, अब होल पार्ट क्या होगा, आपके पास अगर कोई नंबर है जैसे 23.75 and 41.37, तो होल पार्ट क्या होगा, 23, जो डेसिमल से पहले नंबर है 23 क्या होगा, होल पार्ट यहाँ पर कितना होगा, 41 होल पार्ट होगा. ठीक है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास द नंबर विथ ग्रेटर होल नंबर, जो नंबर ग्रेटर होल नंबर है पार्ट विल बी अ ग्रेटर. तो वही नंबर क्या होगा, जिस भी नंबर का होल नंबर अगर ग्रेटर है तो वही पार्ट क्या होगा, वही नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा. इफ द होल नंबर पार्ट आर इक्वल, अगर होल नंबर पार्ट भी क्या है, इक्वल है, जैसे कि 23.71 and 23.87. अब यहाँ पर होल पार्ट 23 इक्वल हो चुका है, तो वही लिखा हुआ है, इफ़ द होल नंबर पार्ट आर इक्वल, इफ द होल नंबर पार्ट आर इक्वल, गो टू नेक्स्ट स्टेप. तब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे, जो कि थर्ड स्टेप होगा हमारे पास, स्टेप थ्री. अब स्टेप थ्री क्या है हमारा, कंपेयर द एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट टू द डेसिमल पार्ट ऑफ द टू नंबर्स. अब देखो, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट कौन सा होगा, 7 and 8, इसे हम कंपेयर करेंगे. अब कंपेयर करने पर हमें यहाँ पर पता है 8 इज ग्रेटर देन 7, सो 23.87 इज ग्रेटर देन 23.71. सो यहाँ पर यह लिखा हुआ है, कंपेयर द एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट टू द डेसिमल पार्ट ऑफ टू नंबर्स. ओके, द नंबर्स विथ ग्रेटर एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट विल बी, जो भी नंबर जिसका ग्रेटर एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट होगी विल बी ग्रेटर, वही नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा. यहाँ पर 7 से क्या है, 8 ग्रेटर है, सो 23.87 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 23.71 से. इफ द एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट ऑफ अ डेसिमल पार्ट्स आर इक्वल. अब क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ भी 8 1 कर दूँ, अब एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट हमारे पास 8 8, क्या ये भी सेम हो चुका है, पॉइंट के बाद भी यहाँ पर सेम हो चुका है 8 8. ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हम नेक्स्ट नंबर पर मूव करेंगे. इफ द एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट ऑफ डेसिमल पार्ट्स आर इक्वल, अगर एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट भी क्या हो, डेसिमल पार्ट्स की इक्वल हो, देन कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट एंड सो ऑन. और आगे भी हम इसी टाइप से स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे. ओके, सो यहाँ पर अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले हम नंबर्स को चेक करेंगे, नंबर्स को चेक करने के बाद अगर हमारे पास सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग नंबर आता है 41.37 and 40.97, क्लियर. अब इन नंबर में हम सबसे पहले होल पार्ट को चेक करेंगे, अगर होल पार्ट में यहाँ पर हमें पता है कि 41 है और यहाँ पर होल पार्ट क्या है 40, और हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट 41 इज ग्रेटर देन 40, सो 41.37 इज ग्रेटर देन 40.97. ये कौन सा स्टेप है, ये क्या है, सेकंड स्टेप होगा हमारा, स्टेप नंबर 2 होगा. बट अगर यहाँ पर होल पार्ट भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए,
अब क्या हो जाए, होल पार्ट भी मैंने अगर इक्वल कर दिए तो अब 41 41 होल पार्ट इक्वल हो चुके हैं थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग। तो अब हम नेक्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर पर जाएंगे, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस में, और वहां पर हमने देखा कि 3 and 9, सो 9 इज ग्रेटर देन 3, सो 41.97 इज ग्रेटर देन 41.37। बट यहां भी अगर 9 होता और यहां पर हो जाता हमारे पास 8, अब हम क्या करेंगे, हमने एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट चेक किया, 99 ये भी सेम है, 99 ये भी सेम है, तो अब नेक्स्ट डिजिट 8 एंड 7 में हम कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करने पे हमें पता है 8 इज ग्रेटर देन 7, सो 41.98 इज ग्रेटर देन 41.97। अगर ये भी ग्रेटर देन है तो यहां पर ही हम स्टॉप करेंगे। अगर फिर भी वैल्यूज यहां भी 8 हो जाता, अब फिर वापस, फिर हम नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट डिजिट, इसके बाद में जो डिजिट होगा उसको कंपेयर करेंगे, और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। क्लियर है? सो यहाँ पर यही 3 स्टेप्स थी, तो इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल आता है, एग्जांपल नंबर 1 इज, हम यहाँ पर टू नंबर ले लेते हैं, टू डेसिमल नंबर्स, नंबर इज 257.93 एंड 394.94। टू डेसिमल नंबर्स का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। टू डेसिमल नंबर्स क्या क्या है, टू डेसिमल नंबर हैं 257.93 एंड 394.94। अब यहाँ पर टू डेसिमल नंबर्स हैं, अब हमें यहाँ पर इन्हें चेक करना है। अब चेक करें तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास टू डेसिमल नंबर्स हैं, इनमें कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन क्या करेंगे, होल पार्ट में कंपैरिजन करेंगे। अगर मैं यहाँ पर होल पार्ट में कंपैरिजन करूँ तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है कि 394 इज ग्रेटर देन 257, सो 394.94 इज ग्रेटर देन 257.93। ओके, सो इस टाइप से हम डायरेक्ट होल पार्ट को कंपेयर करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वन मिनट, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2 इज, इफ नंबर इज 91.73 एंड 91.84, ओके, सो 91.73 एंड 91.84 टू नंबर्स, टू डेसिमल नंबर्स हैं, इनमें हमें कंपैरिजन करना है। सबसे फर्स्ट तो हमारे पास जो नंबर है उन्हें हमने चेक किया, देन आफ्टर होल नंबर को चेक करेंगे, यहाँ पर होल नंबर 91 है, यहाँ भी होल नंबर 91 है, क्या 91 91 इक्वल हो चुके हैं? तो अब हम स्टेप थर्ड पर मूव करेंगे, अब हम स्टेप थर्ड पर मूव करेंगे, अब स्टेप थर्ड पर मूव करेंगे तो हमें यहाँ पर पता है कि एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर इज 7 and 8, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 8 है, सो विच नंबर इज ग्रेटर देन, सो 8 इज ग्रेटर देन 7, सो 91.84 इज ग्रेटर देन 91.73। क्लियर? चलो इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास,73.2593 and 73.2594, यहाँ पर हमने टू नंबर्स यूज़ किए हैं। ओके, अब इनमें हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले होल पार्ट चेक करेंगे, होल पार्ट इज 73 73, क्या सेम है?
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल प्लेसेस में जो नंबर्स हैं, डेसिमल पार्ट में जो नंबर्स हैं, उन्हें हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, उनमें कंपैरिजन करना होगा। तो अब एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर चेक करें तो वो क्या है हमारे पास, टू, और यहाँ भी क्या है, टू। क्या बोथ नंबर्स सेम हैं, बोथ वैल्यूज टू टू सेम है। देन हम नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे, वो कितना है, फाइव। क्या यहाँ भी कितना है, फाइव। क्या ये भी सेम फाइंड आउट हुआ है हमें, यस और नो। देन नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, नाइन। यहाँ भी कितना है, नाइन। क्या ये भी सेम ही फाइंड आउट हुआ है, तो अब हम इसमें भी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेम नंबर है। देन हम नेक्स्ट नंबर यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर कितना है, फोर। अब यहाँ पर इन बोथ नंबर्स में क्यों, क्योंकि इनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो हम इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर पता है, वी नो दैट फोर इज ग्रेटर देन थ्री, सो 73.2594 इज ग्रेटर देन 73.2593। तो 73.2594 ग्रेटर होगा किससे, 73.2593 से। इस टाइप से हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किनके बिटवीन, नंबर्स के बिटवीन। ओके, एक और एग्जांपल हम लास्ट एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं इसका। नंबर इज 917.12 एंड 917.15। अब यहाँ पर होल पार्ट सेम है, होल पार्ट इज सेम, कितना 917। डेसिमल के बाद हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर वन, यहाँ पर भी कितना है, वन। क्या ये भी सेम है, बोथ वैल्यू सेम है। देन हम नेक्स्ट नंबर चेक कर रहे हैं, टू, और यहाँ पर कितना है, फाइव। यहाँ पर कितना है, फाइव। क्या आप टू और फाइव डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। अगर ये डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो अब हम इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, एंड वी नो दैट टू इज लेस देन फाइव, सो नंबर इज 917.15 इज ग्रेटर देन 917.12। तो क्या नंबर ग्रेटर होगा, 917.15 ग्रेटर होगा किससे, 917.12 से। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।